बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आसमान गिरा न जमीन फटी, हवा की बेटी एक बार फिर सरे आम लुटी। वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकारती रही, मगर कोई मसीहा मदद को न आया। गुज़श्ता दिनों गुजरपुरा मोटरवे पर एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक्या पेश आया, जहां एक खातून के साथ रात को 1 बजे जब उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, वो मोटरवे पर मौजूद थी अपने बच्चों के हमरा। 2 मुबैना अशखास ने आकर गाड़ी का शीशा तोड़कर इस खातून को उसके बच्चों के सामने जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया। इसके बाद वो इस खातून से नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि वो इलाका इनके अंडर नहीं आता, लिहाजा वो इस मामले में औरत की कोई मदद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, बेशक आप इंसाफ पसंद और पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वाले नडर लीडर हैं, मगर रियासत मदीना में हवा की बेटी बार बार हवस का निशाना बनाई जा रही है। आखिर कब तक इस मुल्क में मजीद मासूम बच्चियां, औरतें, जवान लड़कियां, यहां तक के कब्रों में मौजूद खवातीन की मैयतें इन दरिंदों की हवस का निशाना बनती रहेंगी? वज़ीर आज़म साहब, बेशक आपने इस वाकये का नोटिस ले लिया है, मगर क्या उमर शेख जैसे नाअहल गैर जिम्मेदार अफसर की मौजूदगी में इंसाफ की फराहमी मुमकिन है? क्योंकि जिस देश से माओ बहनों को अग्यार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, इस देश के हर एक मुनसिफ को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। तहरीक इंसाफ से हकीकी इंसाफ की उम्मीद के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।